हाँ जी, तो क्या आपके फ़ोन पर भी कुछ इस तरीके के मैसेजेस आए हैं? ध्यान से देखिए इन दोनों मैसेज को। एक मैसेज में तो कहा जा रहा है कि 5 लाख रुपए जो हैं आपके वॉलेट वाले अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है, KYC कीजिए, और लिंक दिया हुआ है। वहीं दूसरे मैसेज में लिखा हुआ है कि 1,68,000 रुपये क्रेडिट कर दिया गया है, इसको डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में लेने के लिए जो है आप उस लिंक पर क्लिक करो, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये मैसेजेस अगर आपको भी रिसीव हुआ है ना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले तो भाई यहाँ पर एक कमेंट कर दीजिए और बता दीजिए लोगों को कि आपको भी मिला है, ताकि ज़्यादातर लोगों को पता चल सके कि भाई इस तरीके के मैसेजेस जो हैं लगभग सभी के पास, सभी के फ़ोन्स पर जा रहे हैं। क्योंकि मेरे फ़ोन पर भी आया था, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर के फ़ोन पर भी आया है, उन लोगों ने तो ये स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे भेजा, जिसकी वजह से जो है मुझे ऐसा लगा कि भाई आपके साथ शेयर करना चाहिए। अब इस वीडियो को बनाना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा था कि 5 लाख रुपए जो है उनके वॉलेट में आ गए हैं लेकिन शो नहीं हो रहा है, और शायद इस लिंक पर क्लिक करने के बाद जो है शो होने लगेगा। वहीं कुछ लोगों को लग रहा था कि उनके मोबाइल नंबर पर आ गया है, क्योंकि लास्ट डिजिट में जो है मोबाइल नंबर लिखा हुआ रहता है। तो ऐसे में लोगों को लगता है कि हमारे मोबाइल नंबर पर आ गया है, लेकिन उसको बैंक अकाउंट में लेने के लिए मुझे उस लिंक पर क्लिक करना होगा, जैसा कि ये मैसेजेस बताते हैं। और इसी तरीके के सिमिलर मैसेजेस जो हैं लोगों को आए दिन रिसीव होते हैं डिफरेंट अमाउंट्स में, मतलब अमाउंट वहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ रहेगा लेकिन मैसेज जो है लगभग सेम रहता है। तो अगर आपके पास भी ये मैसेज आया है और आप ये सोच रहे हो कि भाई यहाँ से आपको जो है फ्री फंड में 5 लाख रुपये मिल गए हैं या मिल जाएगा उस लिंक पर क्लिक करने पर, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात ये बताना चाहूँगा कि अगर आप उस लिंक पर क्लिक करते हो तो KYC होने वाला है। KYC किस में होने वाला है वो भी बता देता हूँ। हो सकता है कि उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपका फ़ोन जो है वो रिडायरेक्ट हो जाए किसी वेबसाइट पर, या फिर कोई गूगल प्ले स्टोर में ऐप को आपको शो कर दे। अगर आप उस ऐप को डाउनलोड करोगे, उसमें जाओगे या फिर उस वेबसाइट में जाओगे, तो वहाँ पर जो है आपसे KYC कराया जाएगा। इट मीन्स कि उस ऐप में या उस वेबसाइट में जो है आपसे आपकी डिटेल्स ली जाएगी, आधार, पैन, सेल्फी वगैरह सभी चीज़ें लिया जाएगा, और सिबिल स्कोर के बेसिस पर जो है आपको एक लोन का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। पर्सनल लोन की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर एक अमाउंट शो किया जाएगा और वो अमाउंट होने वाला है आपके सिबिल स्कोर के बेसिस पर। हो सकता है 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये या फिर कोई भी अमाउंट ही शो नहीं हो, तो यहाँ पर यही चीज़ें होने वाला है। तो इस वीडियो की मदद से मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ भाई कि उस लिंक पर क्लिक करने से पहले आप ये ज़रूर सोच लेना कि आप अगर उस पर क्लिक करते हो तो जो ऐप आपके सामने आने वाला है, हो सकता है वो NBFC RBI रजिस्टर्ड लोन ऐप हो, और हो सकता है कि वो कोई 7 डे वाला लोन ऐप हो, या फिर कोई स्कैम करने वाली लोन ऐप हो या वेबसाइट हो। अब अगर आपको भी जो है ये मैसेज रिसीव हुआ था और आपने जो है इसको ये सोच करके डाउनलोड कर लिया था कि भाई यहाँ से लोन मिल जाएगा, और शायद आपको लोन का अमाउंट शो किया गया लेकिन आपसे पैसे ले लिए गए उस लोन को प्रोवाइड करने के नाम पर, और आपने उसको पैसा भी दे दिया है, लेकिन उसके बाद भी जो है आपको लोन का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, इट मींस कि आपके साथ स्कैम हो गया है, आपको लोन नहीं मिला, तो ऐसे में जो है आपको साइबर क्राइम से हेल्प लेनी चाहिए। cybercrime.gov.in पर जाकर के आप ऑनलाइन में साइबर कंप्लेन कर सकते हो, या फिर आप 1930 नंबर को डायल कर सकते हो। इसके साथ ही जो है आप मेरे साथ भी अपने साथ हुए स्कैम की जानकारी को शेयर कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी और मेरा ईमेल ID आप सभी लोगों को मिल जाएगा, मेरे हर एक वीडियो उसके डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। और भाई कमेंट में जरूर से बताइएगा इस तरीके का मैसेज आपको भी मिला है क्या। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यहां पर हमेशा आपको इसी तरीके से अवेयरनेस की जानकारियां वीडियोस के माध्यम से मिला करेगा। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। थैंक यू सो मच।